और बच्चे देखो नया गेम खेल रहे हैं, स्टैचू होने वाला, ये देखो। तो ये है हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार, चलो चलते हैं। बेचारा सीढ़ियों में नहीं चल पा रहा। और अभी अभी मम्मी खेत में गई थी तो मम्मी कह रही यहाँ पे एक सांप है भयंकर वाला। तो आ चुके हैं हम भजन कीर्तन में। गजाननम सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं हूँ अपने खेत में सुबह सुबह, ये देखिए। तो हम लगा रहे हैं सुबह पानी अपने खेत में, गेहूं की तैयारी कर रहे हैं, गेहूं बोने की। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त गगन जोशी। स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को और देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या नया होगा। तो जैसे इस खेत में पानी आ रहा तो यहाँ से देखिए दूसरों के खेत में चले जा रहा है, हमारे पड़ोसियों के खेत में, क्योंकि यहाँ पे ना चूहे ने बिल बना रखा है, उसको ढूंढना है हमने सबसे। थोड़ा तो मैंने बंद किया लेकिन अभी बंद नहीं हुआ, अभी मिला नहीं है, तो उसको ढूंढूंगा मैं, फिर बंद करूँगा। चूहे का पता नहीं उसने कितनी दूर यहाँ पे है शायद। अब देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे है शायद, और उधर बंद होता दिखेगा पानी। अगर पानी गंदा होगा तो समझ जाएंगे कि हाँ यहीं पे है। हाँ हो रहा है, हो रहा है। तो यहाँ पे इस एरिया में तो मैंने पूरा पैर से दबा दिया लेकिन पानी अभी भी वहाँ साफ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, कहीं दूर से है। ओ भाई साहब यहाँ पे है, देखो ये जूता घुस रहा है, और इन बिलों में ना सांप भी रहते हैं, ये भी एक डर है। हाँ यही वाला है, देखो अब गंदा पानी आने लग गया है। और यहाँ पे कानू भी आ गया था लेकिन इसको वापस जाना पड़ेगा, वापस जा वापस जा। और मेरा जो फड़ुआ है ना ये भी छोटा सा है देखो ये, और ये देखो रोबो भी आ गया मेरे साथ। और ये देखो कितने सारे पक्षी आ गए सफ़ेद वाले, जहाँ भी पानी लगता है ना ये जरूर आ जाते हैं। एक होल यहाँ पे ये देखो, और इसका पानी यहाँ से निकल रहा है इतना भयंकर तरीके से। आज मैं सुबह 4:15 बजे उठ गया था, उसके बाद मैं ट्यूबवेल से पानी लेके आया तो मैंने इस खेत पर लगा दिया था। ये खेत हमारा कंप्लीट हो गया पानी से, तो अब इस खेत का ट्रांसफर इस खेत में करेंगे। बछड़ो क्या कर रहे हो तुम, आ जाओ ले 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 डर गया। तो पानी ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जहाँ पानी ज़्यादा भरा हो और मीण जो है वो छोटी हो। चलो ये तो खोल दिया है, अब चलते हैं खेत के लास्ट में। ये देखो दोस्तों, हमने सोचा था कि पानी भर गया होगा इस खेत में लेकिन अभी तक इसमें पूरा नहीं भरा है, तो जो अभी मैंने खोला है उसको मुझे फिर बंद करना पड़ेगा। इसको फिर से बंद करना पड़ेगा नहीं तो वहाँ पानी पहुँचेगा नहीं लास्ट खेत में। और अब ये वाला पानी बंद करना है, खेतों में पानी लगाना भी ना एक टास्क है पता है ये सब। देखो टास्क क्यों है ना, यहाँ पे पानी निकल रहा है और यहाँ पे देखो पानी नहीं है, ये देखो कहीं भी पानी नहीं है, पानी यहाँ कहीं से निकल रहा है इस खेत से। अब कितना दूर ये पानी है, इतना दूर ये पानी है उतना दूर निकल रहा है, ये टास्क है देखो। और बड़ी मुश्किल से मैंने वाला पानी बंद किया, उतनी दूर से पानी यहाँ से कहीं से जा रहा था। और ये देखो यहाँ हमारे नरेश भाई भी आ गए, भक्त और भगवान की जय, इनको भी पानी चाहिए इसलिए आए हैं। ऐसे ही होता है जो पानी लाता ना तो उसके लिए सब लोग आते हैं कि भाई कहाँ है पानी, क्या है। ये देखो पक्षी देखो क्या क्या मस्त पक्षी घूम रहे हैं, और सूर्योदय भी हो चुका है ये देखिए। तो दोस्तों अब बच गए हैं 7 और ये वाला खेत हमारा कम्प्लीट हो गया है, तो मैंने यहाँ से भी इसको खोल दिया है। ये देखो अब यहाँ से पानी जा रहा है इस वाले खेत में, दूसरे वाले में। अब मैं निकलता हूँ घर को, कॉफ़ी वॉफी पीते हैं। अब देखो दोस्तों मेरे जूते में कितनी मिट्टी हो गई होगी, ये देखो भर गया मिट्टी से, दिखाऊं? ये देखो मिट्टी मिट्टी दिख भी रही है, मेरे को फील हो रही है बहुत ज़्यादा अंदर। ये देखो मेरे पैर दिख रही है ना, ये मिट्टी हो गई अंदर, यहाँ कीड़ों ने भी काट दिया यार मुझे। हाँ और मैं बैठा हूँ छत में धूप सेकने के लिए, और नीलम छत में लेके आ गई कॉफ़ी चाय। और ये देखो सुबह सुबह मम्मी घूम के आ गई है, खेत में पानी पूरा हुआ नहीं। हाँ हो गया हो गया। और बच्चे देखो नया गेम खेल रहे हैं, स्टैचू होने वाला, ये देखो ये देखो। यहाँ से 1 2 3 क्लैप कहेंगे और बस उसके बाद दौड़ेंगे। ये देखो जैसे वो क्लैप करके पलटेगा वैसे ये लोग स्टैचू हो जाएंगे, फिर ये इसको हंसाएगा, अगर ये हंस गया तो आउट हो गया, और कोई हिलते हुए भी दिख गया वो भी आउट हो जाएगा, जैसे ये हिलते हुए दिखा तो ये आउट हो गया। तो दोस्तों नहा धो के मैं ऑफिस आ गया हूँ, और मोटालो का दिखाता हूँ आपको नज़ारा। और ये देखो हमारे सामने रोड बन चुकी है, और काना और खुशी भी आ गए हैं। देखो आज ये स्कूल नहीं गए हैं, इनको जुखाम बुखार लगा है इसलिए नहीं गए हैं, तो इनको ले जाना है हॉस्पिटल। और ये देखो सामने रोड बन गई है, और ये देखो ये छत में आ गए हैं। कानों को खांसी हो रही है, इसको बुखार हो रहा है, इसको बुखार हो रहा है, जुखाम भी हो रहा है, तो इनको ले चल रहे हैं हॉस्पिटल, आज ये स्कूल नहीं गए। चलो चलो चलते हैं। तो ये है हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार, चलो चलते हैं। कितनी खांसी हो रही है काना? ये रोड पता नहीं कब तक बनेगी, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, दाएं देखो बाएं देखो फिर रोड को क्रॉस करो।
और अब हम पहुंच गए सुशीला तिवारी। ये है पार्किंग। और कानू देखो कितना खास रहा है, ये कह रहा है कि गोदी में ले जाओ मुझे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? पापा लोगों को पता नहीं है ना यहाँ कहाँ से जाते, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं, तभी तो मेरे पीछे आ रहे हैं। और यहाँ पे इनका वजन तोला जा रहा है। और कानू का नंबर आ गया, ये बैठा यहाँ पे डॉक्टर साहब के पास। खुशी बैठ गई यहाँ पे। अब कानू का होना है ब्लड टेस्ट। हाँ, डेंगू टेस्ट करना है। चलो, तो डॉक्टर साहब को दिखा दिया हमने इनको, लेकिन अभी हमने जांच नहीं कराई है, क्योंकि अभी एक आध दिन लेने के बाद दवाई, उसके बाद जांच कराएंगे। और पापा ने ले ली है दवाई, अब हम जा रहे हैं घर को। और हम घर पहुंच चुके हैं। मम्मी यहाँ बैठी है, अपने मोबाइल पे बात कर रही है किसी से। हेलो। और अभी अभी मम्मी खेत में गई थी, तो मम्मी कह रही यहाँ पे एक सांप है भयंकर वाला, अगर दिखता तो आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, कोबरा है मम्मी। ये कुछ खाया उसने पता, तभी तो नहीं भाग रहा हो, नहीं तो भाग जाता अभी तक। ये देखो कितना बड़ा है, कोबरा है। हम कह नहीं सकते हैं कि कोबरा ये है, मतलब लग रहा है कि हमें कोबरा है। कोबरा है ना, पक्का? पत्थर फेंको तो अभी फन फैला देगा। अच्छा, कोई दिक्कत है इसको, मुझे लग रहा है। कटा हुआ है ये नीचे, कटा है यार, कटा है। चोट लगी है इसके, वो देखो इसका मुंह फटा, कटा है। फन फन फैला यार, उस कटा है यार उसका फन, कटा हुआ है इसका, तभी बैठा है आराम से यहाँ पे। चलो जाओ भाई, जाओ जाओ जाओ। वो अरे चोट लगी है इसको बहुत ज्यादा। ओहो, छिला यार उसका, बहुत बहुत ज्यादा कटा हुआ है। तो ओहो, कटा हुआ, क्या कर सकते हैं यार, कटा है तो। ओहो, वहीं को आ गया वो, खेत की तरफ को, खेत की तरफ यहीं को आ रहा है। ये देखो कोबरा है, उधर को चले गया है, इसके चोट लगी है। अब हम इसको पकड़ भी सकते हैं और ना इसको पकड़ के इसका इलाज कर सकते हैं, क्योंकि ये जहरीला है बहुत, लेकिन चोट बहुत लगी है इसको। और अगर हम पकड़ने वाला बुलाएंगे तब तक ये भाग जाएगा यहाँ से, ये प्रॉब्लम है। ये देखो दोस्तों कैसे जा रहा है, अब चले गए पराल के अंदर। भैया संभल के निकालना पराल, बड़ी स्पीड से गया यार। और ये देखो यहाँ पे दीव भी आ गया हमारा, दिव्यांश सती। और बुआ आई है यहाँ पे घर पे अभी, और खुशी अपनी साइकिल अंदर रख रही है। और गणेश सती हमारी बुआ का लड़का जो है वो भी आया है, अपनी भाभी से गप्पे मार रहा है। ये देखो चलो चल रहे हैं, भाभी देवर की गप्पे लग रही है यहाँ पे। चलो मैं निकल रहा हूँ ऑफिस को, ठीक है। और कानू को बुखार आया, देखो कानू सोया है। कानू आराम कर बेटा, हाँ मैं जा रहा हूँ ऑफिस को। हाँ बेटा चलो, मैं तो निकल रहा हूँ ऑफिस को, मम्मी चल रहा हूँ ऑफिस को, हैं ओके। तो मैं घर पहुँच चुका हूँ। और काना की तबीयत कैसी है बेटा, अब ठीक है ना? हाँ मैं भी, और खुशी भी, खुशी तेरी तबीयत ठीक है, बुखार नहीं है ज़्यादा? तो इसकी तबीयत अब ठीक है, इसको तो थोड़ा फिर भी ठीक थी, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा खराब थी, अब ठीक है ना? और कानू को गुनगुना पानी करके दे रहा हूँ पीने के लिए, इसको पानी भी। और जैसे कि दोस्तों आज मंगलवार है, तो आज हमारे गांव में भजन कीर्तन है, तो भजन कीर्तन का आनंद लेंगे, तो फटाफट चलते हैं। तो भजन कीर्तन में मैं आ गया हूँ। अच्छा अच्छा, चाची जी के घर पे भजन कीर्तन है। जय हो। और दोस्तों भजन कीर्तन करके मैं घर पहुंच चुका हूं, बहुत ही अच्छा लगा भजन कीर्तन करने में। और यहां जब मैं घर आया, नीलम बता दी कि ये दोनों सो गए थे, और इनको उठा के खाना खिला दिया, दवाई भी खिला दी है। तो बस करते हैं आज के ब्लॉग को एंड। आई होप दोस्तों ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ये देखो छींक मार रहा है, इसको बहुत जुकाम है। तो करते हैं आज के ब्लॉग को एंड। आई होप दोस्तों ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो पे नहीं आते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।